नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके चचना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान सिडनी में प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह होटल से प्रैक्टिस ग्राउंड की दूरी ज्यादा बताई जा रही है। यह भी खबर है कि भारतीय खिलाड़ियों को ठंडा नाश्ता दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इससे प्लेयर नाखुश हैं। हालांकि इसे लेकर के BCCI का अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया। कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में पद की शपथ लेंगे। AICC हेडक्वार्टर में सुबह 10 बजे सोनिया और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी खड़गे के शपथ समारोह में शामिल होने पहुंच सकते हैं। शपथ से पहले खड़गे ने राजघाट पहुंचकर के गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 राज्यों राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से करीब 1,00,000 आदिवासी समाज के लोग इस सभा में पहुंचेंगे। मोदी तीनों राज्यों की 99 आदिवासी सीटों को जनसभा और सम्मेलन में साधेंगे। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में 5 से 6 जगह नए जिले बनाने की घोषणा कर सकते हैं। नए जिलों के गठन पर सिफारिश के लिए रिटायर्ड IAS राम लुभाया की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आने में 2 महीने की देरी के आसार है। दिसंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकती है, जिसे प्रदेश के 60 अलग अलग जगहों को जिला बनाने की मांग कर कमेटी अपना मत देगी। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बताइए, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।